हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग टर्न टू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे दिखाएंगे गाड़ी में क्या क्या काम हो सकता है और गाड़ी को मैं क्या करवाने वाला हूँ आज, वो थोड़ा सस्पेंस रहेगा। ठीक है, मैं जा ही रहा हूँ उधर। जगह का नाम बता देता हूँ आपको, कनॉट प्लेस। और अभी हम जा रहे हैं कनॉट प्लेस की तरफ और गाड़ी में कराएंगे काम। काम वो होने वाला है जो शायद आपको होंडा सिटी में सबसे ज्यादा दिखता है। सबसे अच्छी मॉडिफिकेशन होंडा सिटी में होती है उस चीज की, और जिस चीज के लिए जानी जाती है वो चीज। मैं आपको आज वहीं पे लेके चलता हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको वो जगह क्या है, किस तरीके से काम होता है, एक एक चीज डिटेल में आपको मैं दिखाऊंगा। सब चीजें आपको वहां पे देखने के लिए मिलेंगी, मतलब उसमें क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या नहीं है, मैं सारे ऑप्शन आपको वहां पे कवर करूंगा। जिसको भी वहां पे ये काम कराना है जो मैं कराने के लिए जा रहा हूँ, तो उससे अच्छी जगह पूरी दिल्ली में हो ही नहीं सकती। दिल्ली का सबसे एक वाहिद प्लेस बोल देता हूँ मैं, उस जैसा प्लेस है ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी ऐसी गाड़ी मॉडिफाई होती है, ऐसी ऐसी गाड़ी मैं आपको बता नहीं सकता। मस्टैंग, Z4 और ओडी आर एट तक वहाँ तक मॉडिफिकेशन होती है। तो वो दुनिया का, मतलब दुनिया का नहीं बोल सकता, सॉरी फॉर दैट, दिल्ली का एक वाहिद प्लेस ऐसा है कि जहाँ पे उस मॉडिफिकेशन का तोड़ नहीं है। अभी मैं वहीं पे चल रहा हूँ, मैं आपको सब चीज़ें वहाँ पे डिटेलली एक्सप्लेन करूँगा, क्या चीज़ आती है, किस तरीके से आती है, कितने की आती है, एक एक चीज़ और क्या उसमें कराना चाहिए। मैं वहाँ पे भैया से सब चीज़ बात करूँगा बैठ के, तो आपको भी बताऊँगा वहाँ पे क्या, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है, किस चीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो एक एक चीज़ मैं आपको डिटेलली एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, चलते हैं अब सीधा कनॉट प्लेस। गाइस, तो हम अब पहुंचने वाले हैं जहां हमारी डेस्टिनेशन थी। तो अब हम आपको दिखाएंगे हम किस जगह की बात कर रहे थे। तो बस 100 मीटर की दूरी पर है मुश्किल से वो जगह जो दिल्ली की सबसे फेमस जगह है। मैं आपको दिखाऊंगा उस जगह का नाम, शायद आपने सुना होगा वो जगह का नाम पहले भी, अब से पहले। तो अब हम फाइनली आ चुके हैं। This is about to reach. There we are. This is the silencer house that we have to go. Your destination is on. Guys, हम आ चुके हैं silencer house पर, जहाँ पे हम अपनी गाड़ी में लगवाएंगे exhaust. और हमारी गाड़ी अभी इस तरीके से लग रही है, सिंपल साइलेंसर जो कंपनी फिटेड आता है गाड़ी के अंदर वही लगा हुआ है। मैंने सोचा थोड़ा सा चेंज कराया जाए गाड़ी के अंदर, अभी तक दिख नहीं रहा है, देखते हैं इसका लुक इसके बाद कैसे हो लगेगा। अभी मैं भैया से इनसे बात कर रहा हूँ, भैया का आने में थोड़ा टाइम लगेगा, अभी बात हुई उनसे, तो देखते हैं अभी उनको कितनी देर लगती है। आधे पौन घंटा बोला है भैया ने, तो अभी हम देखते हैं, इतने भैया बताएंगे मेरे को कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ किस तरीके की अवेलेबल है, और भैया बताएंगे उसमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या नहीं है। ठीक है जी अंकल, ये क्या चीज़ है और ये चीज़ अलग अलग है। ये तो उसमें है, ये मैट में, ये जो उसमें बस ये डिफरेंस, बस ये डिफरेंस। साउंड का डिफरेंस, साउंड का कोई डिफरेंस नहीं है, साउंड तो इसमें बनानी है, साउंड इसमें बनानी है। अच्छा, इसमें लुक के लिए, ये लुक के लिए बस और कुछ नहीं है। तो गाड़ी हमें सभी मैट करानी है बाद में, तो ये डिस्क्लोज कर ही देते हैं चीज कि हम बाद में गाड़ी मैट कराने वाले हैं अपनी। ठीक है, लेकिन कौन सा मैट कराएंगे अभी वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, ये कलर क्या रहेगा हमारे लिए। ठीक है, तो मैं किस पे जाएं समीर, मैट वाले पे या ग्लॉसी? मैट पे ही चलो, मैट ही बेस्ट है। कैमरे में कौन सा अच्छा लग रहा है? कैमरे में तो ग्लॉसी वाला अच्छा लग रहा है। ग्लॉसी का तो इतना काम नहीं है ना, मैट पे पूरा मजा आएगा।
तो मैट करानी है ना बाद में। एक डिसएडवांटेज है मैट का, उसमें ना गंदगी ज्यादा दिखती है। मैंने अपने अलॉय भी वो करा रखे ना मैट, तो गंदगी ज्यादा दिखती है, गंदगी ज्यादा बना था। चलो देखते हैं, ये तो कभी भी हम चेंज भी करा सकते हैं ना बाद में, अगर हमें लुक चेंज कराना है। देख लेते हैं, वो तो बाद में पीपीएफ करा देंगे फिर ना, तो इस पे देख लेंगे ना, तो गाड़ी से देखेंगे। ये तो चेंज होते हैं, नट बोल्ट से लगेगा, ये तो नट बोल्ट से लगता है ना, तो बाहर का हिस्सा ना, इसके इसके हवा भी लग जाएगा। इसमें ब्लैक कलर नहीं होगा, ये पूरी वाइट नहीं होगा, ये एक दिक्कत आ रही है। इसके पूरी हब जो है ये ब्लैक है और ये थोड़ा स्टेनलेस है। ब्लैक वाला ही लेंगे पूरा फिर, ये वाला। हाँ, इस पे जाते हैं फिर। इसके इसके है ना साइज भी थोड़ा बड़ा लग रहा है, है ना। व्हिच वन इज लुकिंग गुड? ग्लॉसी, ग्लॉसी ना, तो हम चाहते हैं इस पे, क्योंकि वो पूरा ब्लैक है, मजा नहीं आएगा फिर इसमें। अब यार कौन सा ज्यादा सही लग रहा है? यही ठीक लग रहा है ना। ठीक है, हम जाते हैं इसकी तरफ। तो अब हमें आप दिखाइए जिसका अच्छा साउंड मुझे कराना है, वेलोट्रॉनिक। आप ये लगे इसके साउंड रिमोट कंट्रोल होगा ना, पूरा रिमोट वाला होगा। कभी चालान कर दे दिल्ली में? नहीं, दिल्ली में चालान का बहुत खतरा है। क्या पता चला इतने के एग्जॉस्ट नहीं, इतने के चालान भर रहे हैं हम लोग रोज। तो ये है सिस्टम, क्या कंपनी है ये? बोरला। बोरला कितने माल है? बोरला कंपनी का है ये, बहुत भारी है यार। होगा कम से कम कितने किलो का डंबल है? 5 किलो का डंबल है। हाँ समीर, तो भैया ये दो लगेंगे या एक? एक ही लगेगा। तो मेरे को ना गाड़ी में दोनों तरफ चाहिए। दोनों तरफ तो फिर दूसरी साइड जगह नहीं होती इसके अंदर, इसमें एक ही तरफ लगेगा भाई की। यार मैंने देखा है यूट्यूब, दो तीन तरफ लुक के लिए वैसे डमी लग जाता है, डमी लग जाता है। साउंड एक में से ही आएगा, साउंड एक ही आएगा। तो फिर उसके लिए क्या करना है? अभी मैं गाड़ी उठा देता हूँ, आपको तो बता देता हूँ। गाड़ी उठाएंगे आप? तो गाइस हमारी गाड़ी लग चुकी है अंदर, देखते हैं यहाँ पे भैया बताएंगे किस तरीके से होगा, गाड़ी उठेगी किस तरीके से, काम होगा इसमें। ये लगा रहे हैं चेक पे, हाइड्रोलिक से उठेगा ये। अभी हम देखेंगे नीचे से इसका क्या सिस्टम है, क्योंकि मेरी गाड़ी पहली बार उठ रही है। मैं देखूंगा पहली बार उठते हुए। तो ये हमारी गाड़ी उठ गई है, ये जा रही है ऊपर। अब हम ये सोच रहे हैं कि जो जो इसका पुराना वाला साइलेंसर होगा वो जाएगा कहाँ, रख के कहाँ लेके जाएंगे इसको, देखते हैं क्या होता है। तो ये हमारी गाड़ी जा चुकी है ऊपर, अब मेरे को भैया बताएंगे इसमें कहाँ पे स्पेस कितना होता है, क्या होता है, कहाँ जाएगी गाड़ी। यहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुल के पूरा बाहर आ जाएगा, ये आपके अलग अलग है। वो जैसमिन आप कैसे कैसे आपको दे दिया जाएगा, कभी दोबारा स्टॉक करनी हो तो आपकी स्टॉक हो जाएगी, दोबारा स्टॉक भी हो जाएगा। ठीक है, इधर जगह आप बता रहे हैं इधर नहीं होगी, इधर बस मेरा बस डमी टाइप लग जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा, तो इधर लोता था दूसरा बाल वाला ही इधर लगेगा, पर वो आएगा नहीं, आएगा नहीं तो लग जाएगा ना डमी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, तो ये साइलेंसर हमारा निकल जाएगा, ये पूरा यहाँ से इस जगह से। ठीक है, तो इसकी साउंड जो प्रोड्यूस होती है वो वहीं से होगी ना, पीछे से, यहाँ से तो कोई मतलब नहीं है, बस अगर आपको और तेज आवाज चाहिए तो फिर ये कैट होता है, यहाँ से ये निकल सकता है। अच्छा, ये ऊपर जाएंगे तो फिर आपको जो इसके अंदर एक फिल्टर होता है लगा हुआ, वो यही होता है, क्या कहते हैं इसको? कैट, कैट बोलते हैं, जिसके अंदर वो सबसे महंगा वाला जो मिट्टी होती है वो इसमें नहीं होती ना। नहीं, इसमें नहीं, ये रेजोनेटर होता है, ये रेजोनेटर होता है। अगर आप चाहो तो इसको निकलवा सकते हैं एक को, अगर साउंड आपको तेज चाहिए। कितनी तेज हो जाएगी वो? तो फिर वैसे
हाँ क्रैकल मारेगी, क्रैकल मारेगी। पहले आपका ये चेंज कर देते हैं यहाँ से, अगर आपको लगेगा ठीक है तो फिर इसको मत कटवाना, अगर आपको चाहिए और तेज चाहिए तो फिर ये आपको काटना पड़ेगा यहाँ से, एक काटना पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर जाएंगे तो फिर मैप करानी पड़ेगी आपको, गाड़ी ट्यूनिंग करानी पड़ेगी क्योंकि इधर सेंसर लगा हुआ है इसके अंदर। अब मेरे को एक बात बताइए अंकल, गाड़ी के एवरेज पे क्या डिफरेंस आता है? एवरेज तो आपके चलाने के ऊपर है, जैसे अभी हम चलाते हैं वही जैसा एवरेज आ रहा है वही एवरेज आएगा, जैसे आप नॉर्मल चलाते हो ना गाड़ी ऐसी चलाओगे तो बढ़ेगी एवरेज, कम नहीं होगी तो बढ़ेगी। हाँ, बार बार आप गेयर शिफ्ट करोगे खींचोगे गाड़ी को तो ट्रैफिक में ज्यादा चलते हो, दिल्ली के ट्रैफिक में तो एवरेज का कोई वो ही नहीं है, तो अभी अगर ये हम इसको निकलवा देंगे तो एवरेज के ऊपर फर्क पड़ेगा, जब भी ऐसी रहेगी जब। और ट्यूनिंग कराने में क्या दिक्कत आती है? मैप करानी पड़ती है, इंजन की बीएचपी बढ़ जाती है, बीएचपी बढ़ जाएगी, स्पीड भी ज्यादा हो जाएगी, फिर एवरेज भी कम आएगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। आप क्या रिकमेंड करोगे कि कराना चाहिए दिल्ली जैसी जगह में हम रहते हैं? अभी तो आप इसी को करा के देख लो साउंड, इससे आपकी अच्छी हो जाएगी, इससे ही हो जाएगी जैसी हमें चाहिए, मतलब अच्छी खासी साउंड आती है। लोग निकलवाते हैं इसको? बहुत निकलवाते हैं, पड़े हैं, पूरे इंजन से चेंज करते हैं, पूरा फिर ट्यूनिंग कराते हैं। चलिए आप पहले इसको करिए, तो हम बाद में भी करा सकते हैं ना ये वाला पार्ट। चलिए फिर देखते हैं, इतने काम होता है स्टार्ट, फिर देखते हैं क्या होता है। अंदर से जो बॉक्स टाइप होता है उससे जो फिल्टर होकर निकलता है धुआं वो भी हटवा दिया मैंने, आवाज़ के परफॉर्मेंस की वजह से वो डिपेंड करता है अपने ऊपर, फिर ईसीयू पे ट्यूनिंग वगैरह भी करानी पड़ती है अगर वो निकलवा देते हैं तो, अभी ट्यूनिंग वगैरह सब कुछ होगी। इसका एक किट लगी है लगने से जो ऑन ऑफ वाली होती है रिमोट वाली, वो लगवाएंगे जो कि जाती है एयर सस्पेंशन से, यहाँ से यहाँ से जो पूरा निकलेगा वो रिमोट का कंट्रोल काम करेगा। तो बस ऑलमोस्ट हो चुका है, नीचे उतरी गाड़ी अभी, एक दो भैया से बात हो चुकी है सब चीज़ों की, क्या करना है कैसे करना है, और इसको मुझे भैया डाउन करने वाले हैं, डाउन करते हैं हमारे भैया बिल्कुल भैया के पास वन नॉट प्लेस। अभी भैया थोड़े बिजी चल रहे हैं उधर, फ़ोन पे लगे हुए हैं सुबह से जब टाइम उनको टाइम नहीं मिलता। देखो ये BMW की गाड़ी में बोल रहा था ना कि BMW मर्सिडीज़ वगैरह सब गाड़ी आती है, तो इसकी भी ट्यूनिंग होनी है उधर, वो एक मॉडिफाई कर चुकी है होंडा सिटी और ये सिविक खड़ी हुई है, अभी मेरे सामने वो स्विफ्ट भी हुई थी, और एक पोलो खड़ी हुई है वेटिंग में, बहुत सारी गाड़ी वेटिंग में खड़ी हुई है, अभी हम देखेंगे हमारी गाड़ी नीचे जाएगी। भैया उतार दो जब आएगी गाड़ी की आवाज़ सुनेंगे कैसी निकलती है, मज़ा आएगा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि गाड़ी की आवाज़ क्या होगी, अभी तो मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि आई कैन मिस एक्सप्रेस, मैं एक्साइटेड हो रहा हूँ, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ कि मैं कब एक्सेलेटर पे पैर मारूँ। तो ये भी जल्दी से उतरे गाड़ी लगे और लेके चलाए गाड़ी, अभी जैसे ही भैया फ्री होते हैं फोन से भैया से बात करते हैं, फिर गाड़ी नीचे आती है, दूसरा सिस्टम होता है, मैं तो पूरी कंप्लीट करने के होने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, फिर एक वीडियो पूरी बनाएंगे लैब के ऊपर, ऑन पे क्या आवाज़ आती है, ऑफ पे क्या आवाज़ आती है, ठीक है? अब जल्दी बनते हैं गाइस। ये गाइस गाड़ी
गाड़ी हो चुकी है रेडी, करने लग रही है कुछ इस तरीके का लुक। अभी गाड़ी हो चुकी है हमारी कंप्लीट, भैया के पास चलते हैं। तो ये है हमारे गुरजोत भैया, इन्होंने हमारा सारा काम कराया है गाड़ी का जितना भी था, मतलब इन्होंने मेरे रिकमेंड किया है कि ये चीज़ करना। हाँ, इस तरीके से मतलब सेफ है, कुछ ऐसा थी हाँ? लेकिन वो एक जो था आपका कैट वाला वो हमने आपको बता दिया था पहले की हाँ? वो रखा है, कुछ वो रखा है, इसलिए आपने ट्यूनिंग भी नहीं हाँ? करी इसकी, इस फायदा नहीं है उसका फर्क नहीं दिखेगा, वरना फिर उसमें अगर वो निकलवा तो फिर मुझे ट्यूनिंग करना कंपलसरी है ना, लेकिन मेरा अच्छा लगे तो वो निकला हुआ है ना, वरना अगर वो लगा होता तो भैया क्या होता उसमें, तो फिर साउंड जो है वो अप्रोक्सीमेट 10-15% कम होती, थोड़ी हाँ बेस में रहती थोड़ी सी, मतलब जैसे अभी आवाज आ रही है वो आवाज नहीं लेता, मतलब वैसा ही होती लेकिन थोड़ी टोन कम होती, टोन कम होती जैसे बेस कम होता, बेस कम होता, अभी परफेक्ट है अभी कुछ है। इसका जो रिमोट वाला सिस्टम होता है तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आती, सच में दिक्कत नहीं है, बाकी हमारी 3 months की तो रिप्लेसमेंट वारंटी है, नो क्वेश्चन आस्क, आप जब भी बोलो खराब है हम नई मशीन आपको देंगे, अगर इनके 3 महीने के बाद भी कुछ होता है तो आज तक कोई बड़ी चीज नहीं है, या रिमोट का सेल वीक होगा या ब्लू बॉक्स कहीं हिल के या कोई खांपा वांपा टूट गया, इसके एग्जॉस्ट की क्या गारंटी वगैरह कुछ होती है, एग्जॉस्ट की पूरी है कि जो ये साउंड है ये हमेशा रहेगी लाइफ टाइम, प्लस जो हमने इसके अंदर पाइपिंग यूज करी है वो माइल्ड स्टील यूज करी है, तो हो सकता है 6 months के बाद रस्ट आए, अभी हमने पेंट तो कर दिया, लेकिन अगर आएगा भी तो कोई बड़ा इशू नहीं है, हम उसको वापस पेंट कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, पर यह है कि गले वले का नहीं, वो हमारी 5-6 साल की आराम से गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आती है, मैं अपनी खुद की गाड़ी में MSC यूज करता हूँ। इसके अलावा अगर इसका हम आगे अगर और बेस बढ़ाना चाहें तो इसमें फिर हमको ट्यूनिंग करानी पड़ेगी, बेस बढ़ाना है तो फिर हमको ट्यूनिंग भी करनी पड़ेगी आगे, जैसे फुल सिस्टम एग्जॉस्ट करना पड़ेगा, एक कस्टमाइज रेजोनेटर भी ऐड करना पड़ेगा, तो उसमें जो ट्यूनिंग होगी तो इसलिए स्टेज 2 हाँ, फिर अगर हेडर बनेंगे तो स्टेज 2 ठीक है भैया, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम लगा मेरे को आपका, थैंक यू वेरी मच, ठीक है गाइस मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।